की जय, प्रयागराज की जय, त्रिवेणी संगम की जय, बेणी माधव सरकार की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, अक्षय वट की जय, आनंद पीठाधीश्वर जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी मिलकर के भाव से भगवान नाम का आश्रय दें। जय 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 हनु मान गोसाई, जय 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 हनु मान गोसाई, जय 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 हनु मान गोसाई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे।
भगवती पते हर हर महादेव। भगवान श्री हरि यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सह प्राण जीवन धन सीतारा घोष सरकार प्रेम जीवन धन राधा माधव सरकार के युगल पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उमा महेश्वर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तथा भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मान करते हुए तथा परिव्राज का आचार्य परमहंस अवधूत शिरोमणि व्यास नंदन सुखदेव जी के पावन चरणों में वंदन करते हुए जिनकी छत्र छाया में बैठकर हम लोग कुंभ में माघ के इस पुनीत पुण्यमयी बेला के क्रम में श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय ले रहे हैं। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूजपाद अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री आनंद अखाड़ा पीठाधीश्वर स्वामी आचार्य बालकानंद गिरि जी महाराज तथा उपस्थित सभी महामंडलेश्वर आचार्यगण संत महापुरुष यज्ञ की पावन विधि को संपन्न करने वाले सभी आचार्य ब्राह्मण गण मंचस्थ उपस्थित सभी विप्रबंध तथा श्री सनातन हरिधाम सेवा ट्रस्ट के सभी भक्तजन आए हुए सभी भगवत चरणानुरागी तथा श्रद्धामयी ममतामयी माताओं बहनों आप सबका कथा सत्र में अभिनंदन करते हुए आए आज पंचम दिवस की गोष्ठी में प्रवेश करें जहां की कल हम सभी लोग आनंद का अनुभव ले रहे थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मैंने प्रथम दिन ही कहा था कि कथा का आनंद और आनंद अखाड़ा कुंभ का आनंद और नंद के यहां स्वयं आनंद ही बेटा बन करके प्रकट हुए तो चले मनहा शरीर से हम सभी लोग गोकुल में जहां की नाना प्रकार से बधाइयां बज रही हैं जय जयकार हो रही है। श्री सुखदेव जी महाराज इस उत्सव का बड़ा अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान अस्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तैनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत् पितृदेवार्चनं तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम अमर कोशकार कहते हैं कि पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में परिणित होती है ऐसा कहते हैं। इसलिए पिता पुत्र का जब नाम लिखना हो तो प्रारंभिक काल में पढ़े लिखे लोग आत्मज शब्द का प्रयोग करते थे। आज यही बात यहां सुखदेव जी कह रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने
जाता खड़ा दो महामना। जो स्थिति राम कथा में महाराज दशरथ की थी वही स्थिति कृष्ण कथा में महाराज नंद की है। परमानंद पूरी मन राजा कहा बुलाई बजा बहुबा जाता खलादो महामना। नंद बाबा खूब आह्लादित हुए, खूब फूले, पर भूले नहीं ये सुख किनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। नंद बाबा ने पहले उनको स्मरण किया, किनकी कृपा से तो वर्णन आता है, यज्ञ में जब आचार्यगण आशीर्वाद दे रहे थे तो नंद यशोदा जब आशीर्वाद लेने के लिए यशोदा ने झोली फैलाई तो ब्राह्मणों ने प्रसाद देते समय आशीर्वचन में पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा ब्राह्मण देवता आचार्यगण नेक देख करके आशीर्वाद दिया करिए, 80 वर्ष की अवस्था होने जा रही है और आप कह रहे पुत्रवान भव। ब्राह्मणों ने कहा बाबा हमें नहीं पता ये कैसे निकल गया, योजनाबद्ध जो आशीर्वाद होता है वो हो सकता है पूरा होने में संदेह हो, परंतु प्रभु कृपा से जो आशीर्वाद निकलता है उसको पूरा होने में संदेह नहीं लगता। ब्राह्मणों ने कहा ये तो वही जाने जिसने वाणी दी है, और आज जब वो वाणी ब्राह्मणों की सिद्ध हुई तो नंद बाबा ने सर्वप्रथम उन ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचीर अलंकृता। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों ने आकर के जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। 16 संस्कार है गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक। जात कर्म संस्कार में नांदी मुख श्राद्ध होता है, पितरों का पूजन होता है, क्योंकि हमारे गृहस्थ जीवन में संपत्ति और संतति पितरों की कृपा से प्राप्त होती है, इसलिए पूजा क्या है, हम परमात्मा को पूर्वजों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, इसी का नाम पूजा है, थैंक यू बोलते हैं कि आपकी कृपा से कुल का वारिस आया है इसलिए आपको धन्यवाद। पर देखो हम कितने कंजूस हो गए कि परमात्मा को कभी थैंक यू नहीं बोलते, बड़ों को कभी थैंक यू नहीं बोलते। कोई 5 स्टार 7 स्टार में होटल में पानी लेकर के कोई आता है, चाय लेकर के कोई आता है और हम शिष्टाचार वाले लोग उसको तो थैंक यू बोल देते हैं। पानी पिलाने वाले को तो हम थैंक यू बोलते हैं पर पानी बनाने वाले को कभी हमने थैंक यू नहीं बोला, यही हमारे जीवन के दुख का कारण है। पूजा क्या है, सेवा क्या है, सुमिरन क्या है, ये परमात्मा के प्रति कृतज्ञता है। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। ये जात कर्म संस्कार नालो छेदन से पहले होता है, क्योंकि नाल कटने के बाद फिर सूतक लग जाता है और सूतक में दान पुण्य पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नालो छेदन से पूर्व जो है जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। ब्राह्मणों ने बाल कृष्ण लाल को आशीर्वाद दिया स्वस्ति वाचन करते हुए, हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो व्रजस्रवा स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति न सारिष्ठो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वाचित्वा स्वस्तैनम् जातकर्मात्मजस्वै कारयामास विद्वत् पितृदेवार्चनम् तथा। धन की शुद्धि होती है दान से, तन की शुद्धि होती है स्नान से, मन की शुद्धि होती है भजन से, और गर्भगत शुद्धि होती है जात कर्म संस्कार से। और महाराज नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों को दान मान से संतुष्ट किया। महाराज देनु नाम नियुते प्रादात विप्रे समलंकृते तिलादीन सप्तरत्नोघ सात कौंब भरा व्रता। आज नंद बाबा ने ब्राह्मणों को मुक्त हस्त से दान किया। मणि के, माणिक के, मुक्ता के, हीरा के, पन्ना के, जवाहरात के, अन्न के कूट लगा दिए पर्वत और कहा महाराज जितना आपको इच्छा हो ले जाओ। क्यों? क्योंकि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत कुपूत तो का धन संचय। बेटा यदि लायक है तो उसके लिए क्या इकट्ठा करना है, और बेटा यदि नालायक है तो उसके लिए भी क्या इकट्ठा करना है। लायक होगा तो संपत्ति उसके पीछे पीछे चली आती है, और नालायक होगा यदि आपने इकट्ठा कर दी तो उसको आराम से बड़े भाव के साथ बहाएगा, साथ में गाली जरूर देगा कि मारे कंजूस। आज नंद बाबा ने खजाना खोल दिया मुक्त हस्त से। मुक्त हस्त नंद जी ने संपत्ति लुटाई है। 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 जितनो लुटावे वादे बढ़त जो बधाई है।
बधाई है बधाई बधाई है बधाई है बन जो बधाई है बधाई है जय हो बाबा जितना लुटावे वाते बढ़त सवाई प्रभु कार्य में कभी घाटा नहीं होता राम नाम के कारण सब धन डारा खोए अरे मूर्ख कहे कि गिर गया यहां तो दिन दिन दूना यदि ये दिन दिन दूना नहीं होता संतों की कृपा से तो आज कुंभ क्षेत्र में आप देखते हैं कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। संसारी को अपने बेटा बेटी का विवाह करना होता है तो एक दिन के लिए दो दिन के लिए कोई व्यवस्था करनी होती है तो हमारा नए चप्पल घिस जाते हैं दौड़ दौड़ के, बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, जेब भी खाली हो जाती है, सोच में पड़ जाता है कि आगे के लिए क्या होगा। पर देखो भगवत कार्य में महापुरुषों ने कितना लुटा दिया, कितनी व्यवस्थाएं हैं, और जो जो उन व्यवस्थाओं के साथ में जुड़ा है, जिस जिसने सहयोग किया है, क्या उनको चिंता होगी? नहीं नहीं नहीं, दिन दिन दूना होए, दुनिया के बैंक 7 साल में 10 साल में 15 साल में दूना करते होंगे, पर संत ऐसा बैंक है, महापुरुष ऐसा बैंक है जो कि तत्काल दूना कर देते हैं, तत्काल दूना करते हैं। आज नंद बाबा मुक्त हस्त थे, सर्वस दान दीन सब काहू जे पावा राखा नहीं ताहू, कहां गया? देखो दान लेने का अधिकारी सबको ही नहीं है, दान तो संत ब्राह्मण उसका सदुपयोग करते हैं, सतपात्र के लिए जो भी दिया जाता है, सतपात्र को जो दान दिया जाता है वो अनंत गुणा होकर के दाता को सुखदायक होता है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने रघुनाथ जी के बाणों की संख्या को काउंटिंग करते हुए कहा, तर्कस से निकालते थे राम जी, एक हाथ में आते हो जाते थे 1000, जब छोड़ते थे तो अनेक हो जाते थे, गिनती ही नहीं होती थी। ऐसे ही सतपात्र दानम यथा, सतपात्र को दिया हुआ, साधु ब्राह्मण को दिया हुआ दान अनंत गुणा होकर के दाता को सुखकारी होता है। दान लेने का अधिकारी, देखिए भीख में, दान में, सहयोग में, सहायता में अंतर है, एक भेंट है। एक व्यवहार है, व्यवहार में भी दिया जाता है, पर जो दान है, आप भिक्षा किसी को दे दो, सहयोग किसी का कर दो, पर जो दान है, दान हमेशा सतपात्र को प्रदान करना चाहिए, जहां से कल्याण हो संसार का, जहां से जीव को आश्रय मिले,
आश्वासन मिले, औषधि मिले, आहार मिले, आगम मिले, पर नंद बाबा के सामने जो भी आता उसी को देते, पर सामने वाला ले तो लेता, किस लिए? कि नंद बाबा को ऐसा ना लगे कि मेरे यहां लाला को जन्म हुआ और ये लगता है प्रसन्न नहीं है। ले तो लेते, लेने के बाद विचार करते मैं तो दान लेने का अधिकारी नहीं हूं, क्या करूं। तो ले जा करके बाल कृष्ण के ऊपर देखो, ये जो धन है ना इसकी कोई एक गति नहीं है। आपने संकल्प करके महाराज श्री को दिया, ये दान बन गया, और महाराज श्री ने ले जा करके टेंट वाले को दे दिया तो ये टेंट की कीमत हो गई। टेंट वाले ने ले जाकर पेट्रोल पंप में गाड़ी में तेल भरा लिया तो गाड़ी के तेल का मूल्य बन गया। पेट्रोल पंप वाले ने बिजली का बिल अदा कर दिया, ये बिजली का बिल बन गया। धन की एक गति नहीं है,